हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मॉमीज किचन। सो आज हम लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, स्प्राउट्स का चीला। ये बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस येट हेल्दी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि स्प्राउट से हो चुके हैं अगर आप बोर, देन डू ट्राई दिस रेसिपी। सो ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो है ग्रीन मूंग इन अ स्प्राउटेड फॉर्म। स्प्राउट्स तो आपको पता ही होंगे, अंकुरित मूंग भी बोलते हैं इसे। एंड हम यूज करने वाले हैं ये सारे वेजिटेबल्स जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसे हम फाइनली चॉप करके अपने बैटर में ऐड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने स्प्राउट्स को हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल के ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहेगी, सो हम सिर्फ 2-3 मिनट्स तक इसे ग्राइंड करेंगे एंड देन हम इसे बोल में निकाल लेंगे। सो ऐड करेंगे इसमें हम अपना बैटर बनाने के लिए फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। देन इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 स्पून ऑफ आटा या बेसन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सो दैट हमारा बैटर अच्छे से बाइंड हो पाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। हम लोग रेड चिलीज जनरली नहीं यूज करते हैं, सो या फिर ग्रीन चिली या फिर ब्लैक पेपर पाउडर। देन इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक, जिसे हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके बाद हम अपना बैटर प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे एंड देन हम अपना रेडी करेंगे नॉनस्टिक पैन। सो एक नॉन स्टिक पैन में हम लोग ने डाला है हाफ स्पून ऑफ देसी घी एंड देन हम अपना इसमें बैटर डालेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे एंड डू ट्राई दिस हेल्दी रेसिपी। सो अब हम अपना बैटर अच्छे से इवेनली स्प्रेड कर देंगे पैन में एंड देन इसे 2 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे विद द लिड। तो गैस रहेगा हमेशा लो फ्लेम पे, सो दैट चीला हमारा हमेशा प्रॉपरली अच्छे से कुक हो पाए एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स हम इसे अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे। सो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। सो सेम वे हम 2 मिनट्स दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। इसके बाद हम डालेंगे हाफ टीस्पून ऑफ घी सो हमारा चीला हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। आप इसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कभी भी एंजॉय कर सकते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड रेसिपी फॉर वेट लॉस आल्सो। इसे आप सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।